हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम वीडियो रे डिस्कशन करवा कि इंपोर्टेंट लेखा और लेखक उपर जहाँ कि आपर ओएसएससी आरएचटी मेन एग्जाम पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। दुई रु तीन मार्क निहाती भाव आपर ओएसएससी आरएचटी मेन एग्जाम देखा मिली। सहित आम जेटी ओटीटी ओएसटीटी बीएड एग्जाम पे मते इंपोर्टेंट रहइबो। लेखा लेखक समस्त टीचिंग एग्जाम पे लेखा और लेखक मोस्ट इंपोर्टेंट अटे। सहित आप एसएससीबी पीजीटी टीजीटी जो टीचर आसी इंपोर्टेंट रहइबो। तो ये होची रिविजन क्लास कहीं या पूर्व मु दुई थर ये वीडियो बनई सारी 2022 रे। तो पिलामाने रिक्वेस्ट करते से पुणी नहीं कि आसी किसी नुआ एड कर। तो एमें डिस्कसन करवा 12 कवि डिटेल्स डिस्कसन करवा किए कौ पुस्तक लिखी आम सिलेबस आज आउट ऑफ सिलेबस आम डिस्कसन करवा। 90 क्वेश्चन रही है तार आंसर आप देते 90 आप 85 रखा पड़ो कहीं प्रथम डिटेल्स डिस्कसन कलापर आपण मानक एमसी को डिस्कसन करेंगे। तो आप मेमोरी माइंड केते स्ट्रांग अच्छे आपठ जापर। तो स्टार्ट करवा प्रथम आम देखा गोपीनाथ महांती। तो गोपीनाथ महांती कौन कौन लिखिं आम देखने। गोपीनाथ महांती लिखिं तंत्रिकार मटी मटाड़ पहांता आकाश सुंदेरी अनल नल बघे दिग दिहुड़ी मनर निया बुढ़ाए बुंदा सॉरी बुंदाए पानी किछि कहिबाकु चाहे जान कामा अनाम। तापर आमर रहिछि कोन ना राहुर छाया दुई पत्र सपन माटी शिव भाई दाना पानी अपहंच लय विलय बुढ़ा कवि। तापर अछि मन गहिरर चाष दादी बुढ़ा परजा हरिजन। तापर आपन अमृतर संतान आउ घास फूल ए सब लेखिछन्ति किए ना गोपीनाथ महांती लेखिछन्ति। तो नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट रही अपने फकीर मोहन सेनापति कौन कौन लिखिंट। फकीर मोहन सेनापति आम लिखिं कौन कौन देखते। फकीर मोहन सेनापति लिखिं रेवती कूलकुंतला मौना मौनी बालेश्वरी राहाजानी बालेश्वरी पंगा लुण पुनर्मुशी कोभव डाक मुंशी धूलिया बाबा कमला प्रसाद खोराप सुना बहु रांडी पुओ अनंता कालिका प्रसाद गोराप पेटेन मेडिसिन बीरई विशाल सभ्य जमीदार बगला बगली अजा नाती कथा पाठई बहु अधर्म बीत माध कन्या सॉरी माध महांती कन्या सुना गारुड़ी मंत्र। एसबु लिखिं किए एसबु लिखिं आमर लिखिं फकीर मोहन सेनापति। तापर देखु सुरेन्द्र महांती कौन लिखिं कौन देखते। सुरेन्द्र महांती आप सिलेबस ना कि सुरेन्द्र महांती पर आम एग्जाम आसूँ। तो सुरेन्द्र महांती लिखिं कृष्णा बेणी रे संध्या नील शैल पथ ओ पृथ्वी अंध दिगंत रुटी ओ चंद्र मराळर मृत्यु पेकिंग डायरी आजीवकर अट्टहास बापू कालांतर महानिर्वाण अचलायतन नीलाद्री विजय ओडिया साहित्यर आदि पर्व। तापर आउरु अछि देखंतु सबुज पत्र ओ धूसर गोलाप महानगरीर रात्रि कृष्ण चूड़ा नेति नेति शेष स्तंभ हंस गीति शेष कविता दुई सीमांत शताब्दीर सूर्य शताब्दी हर्षी छाड़ दी सूर्य बंधु ओ प्रिया कवि ओ नर्तकी। एसबू लिखिंट सुरेन्द्र महांती लिखिंट। आ सुरेन्द्र महांती को किसी एचिवमेंट आम डिस्कसन करवा कूलवृद्ध पुस्तक से पाई सारला पुरस्कार 1980 मसीह कूलवृद्ध पुस्तक से पाई सारला पुरस्कार आ नीलशैल पाई केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार आ पथ पृथ्वी पाई साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। ये तीन टा मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहइबो एग्जाम रे किसी भी पचारि पारे। तो नेक्स्ट देखिबा राधानाथ राय को किसी इंपोर्टेंट बुक्स। राधानाथ राय लिखिं केदार गौरी दरबार चंद्रभागा चिल्लिका महेन्द्रगिरी दशरथ वियोग नंदिकेश्वरी तुलसी स्तवक महाजात्रा उर्वशी सावित्री चरित उषा। एसबू लिखिं किए ना राधानाथ राय एसब पुस्तक को लिखिं। तो नेक्स्ट देखिबा उपेन्द्र भंज कौन कौन लिखिं। उपेन्द्र भंज लेखा होची कोटी ब्रह्मांड सुंदरी सुभद्रा परिणय वैदेहिश विलास लावण्यवती अवना रस तरंग रस पंचक। तापरे प्रेम सुधानिधि कला कौतिक रसिक हारावली रासलीला ब्रजलीला रस लेखा। एसबु लिखिं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तो मन रखु आप एमसी को डिस्कसन कले आप तार आंसर निहाती भाव भल स्कोर करके दे।
नेक्स्ट रही जगन्नाथ दास कौन लिखिं देखु जगन्नाथ दास लिखिं आमर भागवत लिखिं दारुब्रह्म गीता लिखिं अर्थकैली लिखिं तुलाभीणा लिखिं गुप्त गीता लिखिं मनशिक्षा गज उदाहरण। तो नेक्स्ट रही गोपाल चंद्र प्रहराज पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश लिखिं भागवत टुंगी संध्या लिखिं ननाक बस्तानी लिखिं आम घर हालचाल लिखिं बाई महांती पांजी लिखिं आउ बाई ननाक बुजुड़ी लिखिं गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिं कौन बाई ननाक बुजुड़ी बाई महांती पांजी ननाक बस्तानी आउ पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश भागवत टुंगी संध्या हाँ आम घर हालचाल यह सब लिखिं गोपाल चंद्र प्रहराज। नेक्स्ट रही सारला दास कौन लिखिं सारला दास लिखिं महाभारत लिखिं सारला दास आउ विलंका रामायण लिखिं विचित्र रामायण लिखिं चंडी पुराण लिखिं लक्ष्मी नारायण वचनिका लिखिं साहाड़ा वृक्ष लिखिं और बहुत गुड़ाए लिखिं कि इंपोर्टेंट बुक्स गुड़ाक मुझे मेनसन करी। नेक्स्ट रही भीम भई कौन कौन लिखिं भीम भई लिखिं कलीयुग गीता लिखिं पूर्ण संहिता लिखिं श्रुति निषेध गीता लिखिं आदिअंत गीता लिखिं श्री श्री निर्वेद साधन आ पद्मकल्प चौतीसा मधुचक्र भजनमाला 312 ब्रह्म निरूपण गीता ब्रह्म संयुक्त गीता स्तुति चिंतामणि अष्टक बिहारी गीता आठ भजन शिशुवेद एसब लिखिं आमर संत कवि भीम भई। तापर जे बलराम दास को किसी बुक्स रही बलराम दास लिखिं आमर ब्रह्मांड भूगोल लिखिं बलराम दास गुप्त गीता लिखिं लक्ष्मीपुराण लिखिं दांडी रामायण लिखिं ओडिया रामायण लिखिं विष्णुपुराण लिखिं बाट अवकाश से लिखिं। नेक्स्ट रही गंगाधर मेहर लिखिं कौन गंगाधर मेहर लेखा रही तपस्विनी कीचकबद्ध इंदुमती प्रणय बल्लरी उत्कल लक्ष्मी पद्मिनी अयोध्या दृश्य रसरत्नाकर कृषक संगीत अर्घ्यथाड़ी एसबु लिखिं आमर कवि गंगाधर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। नेक्स्ट बर्तमान देखिले 12 लेखक आम डिस्कसन कले तो बर्तमान आम एम सिक्यू जीवा देखा आपते मार्क रखुं 90 के स्कोर रखुं। नेक्स्ट तो प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा प्रथम रही नीलाद्री शतकम कहार लेखा नीलाद्री शतक बा शतकम कहार लेखा नीलाद्री शतकम बा नीलाद्री शतक लिखिं किए यू लिखिं जगन्नाथ दास लिखिं जगन्नाथ दास यू लिखिं ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही कला कौतुक कहार लेखा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कला कौतुक किए लिखिं देखु कला कौतुक लेखक होती किए सी होती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बालेश्वर राहाजानी लेखक किए बालेश्वर राहाजानी मुझ या पूर्व ही आप समस्त डिटेल्स कहली बालेश्वर राहाजानी लिखिं किए फकीर मोहन सेनापति लिखिं फकीर मोहन सेनापति लिखिं। नेक्स्ट रही मामूर लेखक किए मामू देखु मामूर शुद्ध शब्द देखु आप चंद्रबिंदु देवेनी के भूल हो चंद्रबिंदु लगे खाली मोरे आकार मोरे हर्ष यहाँ मन रखें एक्जाम आसी ओटीटी तो इंपोर्टेंट रही है। तो मामूर लेखक किए से पचार मामूर लेखक होती किए मामू पुस्तक किए लिखिं से लिखिं आमर फकीर मोहन सेनापति ही लिखिं फकीर मोहन सेनापति लिखिं। तो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई बुढ़ा कविर लेखक किए बुढ़ा कवि किए लिखिं बुढ़ा कविर लेखक होती किए से होती किए ना गोपीनाथ महांती ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अधर्म बीतर लेखक किए अधर्म बीतर लेखक किए अधर्म बीत यही पुस्तक लेखक होती फकीर मोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी गोपीनाथ महांती लेखा कौटा लिखिं गोपीनाथ महांती से पचारि तो गोपीनाथ महांती कौटा लिखिं गोपीनाथ महांती लिखिं परजा पुस्तक लिखिं आ मामू एटा फकीरमोहन सेनापति लिखिं बाई नना बुजुड़ी एटा गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिं तो मन शिक्षा किए लिखिं आप कमेंट सेक्शन में जनइबे। नेक्स्ट रही डाक मुंशीर लेखक किए डाक मुंशीर लेखक किए से पचार तो डाक मुंशीर लेखक होती किए से होती फकीर मोहन सेनापति लिखिं डाक मुंशी लिखिं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेवतीर लेखक किए रेवतीर लेखक किए तो रेवती पुस्तक को लिखिं फकीर मोहन सेनापति माटी मटाल लेखक किए माटी मटाल पुस्तक को लिखिं किए ना गोपीनाथ
महांति, गोपीनाथ महांति, ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही माधव महांती को कन्या सुनार लेखक किए। माधव महांती को कन्या सुना ए पुस्तक लिखिंट फकीर मोहन सेनापति। गारुड़ी मंत्र कहार लेखा, गारुड़ी मंत्र ए पुस्तक को लिखिंट किए ना फकीर मोहन सेनापति लिखिंट। नेक्स्ट देखिबा मन गहिर चाष कहार लेखा, मन गहिर चाष एटा को लिखिंट किए ना गोपीनाथ महांती लिखिंट, गोपीनाथ महांती एटा को लिखिंट। नेक्स्ट रही क्योंटी उपेन्द्र भंजंकर लेखा से पचारी, उपेन्द्र भंजंकर लेखा कौटा अटे बोली से पचारी। क्वेश्चन नंबर 14 उपेन्द्र भंजंकर लेखा कौटा से पचारी तो करेक्ट आंसर है लावण्य बती, से लिखिंट आमर उपेन्द्र भंज लिखिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाठोई बहु कहार लेखा, पाठोई बहु यटा किए लिखिंट, यटा को लिखिंट किए आप मानक यटा को लिखिंट आमर फकीर मोहन सेनापति लिखिंट। विचित्र रामायण लेखक किए, विचित्र रामायण बिलंका रामायण एसबू लिखिंट सारला दास, शूद्रमुनि सारला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप भागवत टुंगीरे संध्या किए लिखिंट, भागवत टुंगीरे संध्या यटा को लिखिंट गोपाल चंद्र प्रहराज, ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही सुभद्रा परिणयर लेखक किए, सुभद्रा परिणय यही पुस्तक को लिखिंट किए ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी आपण मान रही क्योंटी उपेन्द्र भंजों लेखा से पचारी, उपेन्द्र भंज कौटा लिखिंट से पचारी तो उपेन्द्र भंज लिखिंट कौटा ना प्रेम सुधा निधि लिखिंट उपेन्द्र भंज, आ क्योंटा फकीर मोहन को लेखा तो फकीर मोहन सेनापति लिखिंट बीरई विशाल, बीरई विशाल, बीरई विशाल ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही घास फुलर लेखक किए, ये घस हो जाए घस नुह घास फुल, घास फुलर लेखक होती गोपीनाथ महांती, गोपीनाथ महांती। महिमा गोपन भविष्य मालिका कहार लेखा से पचार, महिमा गोपन भविष्य मालिका यहाँ लिखिंट भीम भोई, संत कवि भीम भोई, ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रांडी पुओ अनंता कहार लेखा, रांडी पुओ अनंता यहीटा को लिखिंट किए ना आम लिखिंट फकीर मोहन सेनापति, फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन नंबर सी है आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी गोपाल चंद्र प्रहराज लेखा, गोपाल चंद्र प्रहराज कौटा लिखिंट तो गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिंट कौटा ना पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश लिखिंट, छह माण आठ गुंट यहाँ लिखिंट फकीर मोहन सेनापति, आउ परजा राहुल छाय ए दुटा लिखिंट गोपीनाथ महांती। एग्जाम समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट रही क्योंटा सारला दास लेखा से पचारी, सारला दास आमर अलरेडी मुझे या पूर्व ही कहली सारला दास लिखिंट कौटा ना सारला दास आम लिखिंट बिलंका रामायण, बिलंका रामायण लिखिंट सारला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी उपेन्द्र भंजों लेखा, उपेन्द्र भंज कौटा लिखिंट, उपेन्द्र भंज आम लिखिंट कौटा ना उपेन्द्र भंज लिखिंट आमर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लिखिंट उपेन्द्र भंज। नेक्स्ट रही क्योंटी फकीर मोहन को लेखा, फकीर मोहन सेनापति कौटा लिखिंट से पचारी, फकीर मोहन सेनापति लिखिंट कौटा ना प्रायश्चित नामक उपन्यास को लिखिंट फकीर मोहन सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मध्य क्योंटी जगन्नाथ दास लेखा, जगन्नाथ दास कौटा लिखिंट से पचारी, जगन्नाथ दास लिखिंट भागवत, ओडिया भागवत बा श्रीमद भागवत लिखिंट जगन्नाथ दास। यह मध्य क्यों लेखाटी सारला दास से पचारी, सारला दास कौटा लिखिंट, सारला दास लिखिंट ओडिया महाभारत लिखिंट, ओडिया महाभारत लिखिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लक्ष्मी नारायण वचनिका क्यों लेखकों से पचारी, लक्ष्मी नारायण वचनिका यटा को लिखिंट किए यटा को लिखिंट आमर यटा लिखिंट सारला दास, शूद्रमुनि सारला दास। क्योंटा गोपीनाथ महांती लिखिंट से पचारी, गोपीनाथ महांती को लेखा कौटा तो उड़ंता खई अजानाती कथा रांडीपुअ अनंत सभ्य जमीदार, तो गोपीनाथ महांती लिखिंट उड़ंता खई, बाकी रांडीपुअ अनंता सभ्य जमीदार अजानाती कथा ए तीनटा लिखिंट फकीर मोहन सेनापति लिखिंट। नेक्स्ट रही क्योंटी उपेन्द्र भंजंकर लेखा, उपेन्द्र भंज कौटा लिखिंट तो उपेन्द्र भंज लिखिंट कौटा ना लावण्यवती को लिखिंट,
କେଉଁଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ରିପିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପରଜା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାକି ତିନିଟା ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଲେଖା, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ କେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା ହରିଜନ ଏଇଟା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। କେଉଁଠି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲେଖା ସେ ପଚାରିଛି, ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଆଉ ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ ରସିକ ହାରାବଳି ଏଇଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନାବୋହୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତୁଳା ଭିଣା ଓ ଅର୍ଥ କୋଇଲିର ରଚୟିତା କିଏ, ତୁଳା ଭିଣା ଓ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଏହି ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା, ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂହିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂହିତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା କେଉଁଟା ସେ ପଚାରିଛି, ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ହେଉଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ RHT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କବି କିଏ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କରାଯାଇଛି, ତ ତାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, କେଉଁଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ନୁହେଁ ସେ ପଚାରିଛି, ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ ଏଇ ତିନିଟା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କେଉଁଟା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅପହଞ୍ଚ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ କିଏ, ଅପହଞ୍ଚ ଉପନ୍ୟାସର ଔପନ୍ୟାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚୟିତା କିଏ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ମହାଭାରତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କିଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆମର RHT ଏକ୍ଜାମ୍ ବା CHT ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ତ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା ଆମର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, କେଉଁଟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାହାର ପ୍ରମୁଖ କୃତି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି କେଉଁଟା ସେ ପଚାରିଛି, ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହେଉଛି ଲଛମା, କାହିଁକିନା ତପସ୍ୱିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର, ମାଟି ମଟାଳ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ତ ଲଛମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଲଛମା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଉ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ଏ ଚାରିଟା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ନୁହେଁ ସେ ପଚାରିଛି, ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ତ ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ଅର୍ଥ କୋଇଲି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଅର୍ଥ କୋଇଲି ପୁସ୍ତକକୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କେଉଁଟା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ରେବତୀ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଚାରିବ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ରେବତୀ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ପୁସ୍ତକ କାହାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ।
नेक्स्ट रही निर्झरणी पुस्तक रचयिता किए निर्झरणी पुस्तक किए लिखिंट यटा को लिखिंट नंदकिशोर बल नंदकिशोर पल्लीकवि नंदकिशोर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नलिखित मध्य कौटा जगन्नाथ दास द्वारा रचित जगन्नाथ दास कौटा लिखिंट जगन्नाथ दास लिखिंट श्रीमद भागवत गीता महाभारत लिखिंट ओडिया सारला दास जगमोहन रामायण बा दांडी रामायण बा ओडिया रामायण को लिखिंट बलराम दास मन रखुद बलराम दास लिखिंट जगमोहन रामायण तार ओडिया ना हो अन्य ना हो दांडी रामायण बा ओडिया रामायण कहीपर आ रसलेखा लिखिंट उपेन्द्र भंज समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रो क्वेश्चन आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी गंगाधर मेहर कृति गंगाधर मेहर कौटा लिखिंट चिलिका कीचकवध बसंत गाथा कनकलता तो कनकलता नंदकिशोर बल बसंत गाथा मधुसूदन राव चिल्लिका राधानाथ राय यहाँ लिखिंट कीचकबद्ध लिखिंट गंगाधर मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विदग्ध चिंतामणि कहार विशिष्ट कृति थी एसबू आप सिलेबस ना आमर विदग्ध चिंतामणि लेखक होती अभिमन्यु सामंत सिहार अभिमन्यु सामंत सिहार दीनकृष्ण दास गंगाधर मेहर मधुसूदन राव नंदकिशोर बल एसबू कौन सिलेबस ना कि एग्जाम आसी से आउटा सिलेबस मत किसी क्वेश्चन आपको कवर करूँगी और आप चाहिए आधिक आउटा सिलेबस लेखा लेखक आपने कवर करेंगे जहाद्वारा आपको बेनिफिट मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मनोबोध चौतीसा कहा द्वारा रचित मनोबोध चौतीसा एक क्वेश्चन मतलब सेकेंड फेज आसीला सी एच टी आसीला मनोबोध चौतीसा यू लिखिंट भक्तचरण दास कवि भक्तचरण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बसंत गाथा कहार कृति अलरेडी कही सारी बसंत गाथा को लिखिं मधुसूदन राव। नेक्स्ट रही शर्मिष्ठा काव्यटी कहा द्वारा रचित शर्मिष्ठा काव्यर लेखक होती किए से पचार शर्मिष्ठा काव्यर लेखक होती पल्लीकवि नंदकिशोर बल नंदकिशोर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रसिक हारावली कहार लेखा रसिक हारावली पुस्तक लिखिंट किए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लिखिंट क्योंटी गोपीनाथ महांती लेखा नुहे से पचारि अमृतर संतान दादी बुढ़ा दाना पाणी गल्पस्वल्प तो ये तीनटा जाक पुस्तक लिखिंट अमृतर संतान दादी बुढ़ा दाना पाणी किंतु गल्पस्वल्प से लिखि नाहांती ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही वैदेहीस विलासर रचयिता किए वैदेहीस विलास यू लिखिं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। नेक्स्ट रही फकीर मोहन को गल्प पुस्तक नाम कौन से पचार उड़ता खई गल्प स्वल्प गुप्त गंगा घास फूल तो फकीर मोहन कौटा लिखिंट ना गल्प स्वल्प लिखिं गल्प स्वल्प हूँ फकीर मोहन को गल्प पुस्तक नाम बाकी तीनटा जाक आप रहा ये तीनटा जाक हूँ गोपीनाथ महांती लेखा गोपीनाथ महांती लिखिंट। नेक्स्ट रही निम्नोक्त मध्य क्योंटा फकीर मोहन सेनापति रचना फकीर मोहन सेनापति कौटा लिखिंट से पचार ननाक बस्तानी दाना पाणी पूजा फूल सुभद्रा सुभद्रा परिणय ननाक बस्तानी गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिंट दाना पाणी आमर लिखिंट किए यू लिखिं आमर गोपीनाथ महांती लिखिंट आउ सुभद्रा परिणय लिखिंट कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तो बाकी रहा कौटा पूजा फूलटा लिखिंट फकीर मोहन सेनापति आउ घास फूल को लिखिंट गोपीनाथ महांती दीटा कन्फ्यूज कर घास फूल गोपीनाथ महांती पूजा फूल फकीर मोहन सेनापति। नेक्स्ट देखिबा प्रथम ओडिया प्रबंधर रचयिता किए प्रथम ओडिया प्रबंध किए लिखी प्रथम ओडिया प्रबंधर रचयिता होती राधानाथ राय राधानाथ राय ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई औपन्यासिक गोपीनाथ महांती निम्नोक्त क्यों पुस्तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई आमर जो गोपीनाथ महांती लेखक से कौ पुस्तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई से पाई कौ पुस्तक ना माटी मटाल पुस्तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर माटी मटाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नीलशैल उपन्यास स्रष्टा किए नीलशैल उपन्यास किए लिखी नीलशैल उपन्यास को लिखी सुरेन्द्र महांती ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सुरेन्द्र महांती। नेक्स्ट रही फकीर मोहन क्यों गल्प नारी शिक्षा पर आधारित फकीर मोहन को कौ गल्पटा नारी शिक्षा पर आधारित पचार तो रेवती रेवती गोटे क्षुद्र गल्प सेटा नारी शिक्षा पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों पुस्तकटी गंगाधर मेहर लेखा गंगाधर मेहर कौटा लिखिंट गंगाधर मेहर कौटा लिखिं तो गंगाधर मेहर लिखिं आमर तपस्विनी लिखिंट आउ केदार गौरी चंद्रभागा यू लिखिं किए राधानाथ राय लिखिंट कीचकबद्ध काव्य किए रचना करते अलरेडी मुझे कही सारी कीचकबद्ध काव्यटा आप लिखिंट गंगाधर मेहर
ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ସେ ପଚାରୁଛି। କିଚକବଧ କାବ୍ୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଏସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଚରିତ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀର ମୋହନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଫକୀର ମୋହନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ବା PhD କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲଟନ। ବୋଲଟନ PhD କରିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଲେଖକ ସେ ପଚାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ କିଏ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନା ମାଟି ମଟାଳ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1974 ପାଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଛି, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ବ୍ୟାସଦେବ। ମେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିପାରେ ବ୍ୟାସଦେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କହିପାରିବା, ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କହିପାରିବା, ସେଇଟା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ପଚାରିଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ମହିମା ଇନ୍ଦୁମତୀ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହିମା ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ମହିମା ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମର ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କବିତା ମାଳା କିଚକ ବଧ ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବ ଏସବୁ କାହାର ରଚନା, ଏସବୁକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କବି କିଏ, ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ଏଇଟା ରିପିଟେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେ ପଚାରୁଛି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସୃଷ୍ଟି, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଭୂମି ଉପରେ ଆମର ଆଧାରିତ ସେ ପଚାରିଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜମିର ମାପଟା ଦେଇଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଏଇଟା ଭୂମି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଦରବାର କି ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଦରବାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା କିଏ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକଟା ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଏଇଟା ରିପିଟେସନ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 90 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି 95 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, 5ଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ସେ 5ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 90 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। 90ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 80 ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ, ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ବିବେକୀ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। କେଉଁଟି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଏକ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ ପଚାରିଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଦାର ଗୌରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଏଇଟା ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଘାସ ଫୁଲ ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏଇ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କର ଲେଖକ କିଏ। ଘାସ ଫୁଲ ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ ଓ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପୁସ୍ତକର ବା ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ। ନୀଳଶୈଳ ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କିଏ ବହୁତ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବହୁତ ଗଳ୍ପ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଗଙ୍ଗାଧର
मेहरंको काव्य मानक मधेर सर्वश्रेष्ठ काव्य कोटा एटा आपन पई रहिला होमवर्क यार आंसर कमेंट सेक्शन रे जणैबे होमवर्क रहिला गंगाधर मेहरंको काव्य मधेर कोटा सर्वश्रेष्ठ काव्य प्रणय बल्लरी ना कीचकबद्ध ना उत्कल लक्ष्मी ना तपस्विनी। नेक्स्ट रही नील शैलर रचयिता किए यहाँ अलरेडी आम डिस्कसन करते आमर प्रीवियस मैंने भिन्न भिन्न एग्जाम आसाला से यहाँ नहीं तो यहाँ गोटे आम ओटीटी ओएसटीटी एग्जाम क्वेश्चन आसाला नीलशैल किए लिखिं सुरेन्द्र महांती लिखिंट महिमंडल गीता ग्रंथर रचयिता किए महिमंडल गीता ग्रंथर रचयिता होती किए से होती अरक्षित दास ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर अरक्षित दास। नेक्स्ट रही क्योंटि सुरेन्द्र महांती रचना नुहे से पचारि सुरेन्द्र महांती कौटा लिखि ना से पचारि कालांतर नीलशैल दुई सीमांत हरिजन तो कालांतर नीलशैल आउ दुई सीमांत ये तीन टा जाक लिखिंट सुरेन्द्र महांती लिखिंट ये तीन टा जाक किंतु हरिजन यटा को लिखिंट किए यटा को लिखिंट आम गोपीनाथ महांती लिखिंट तो यहाँ आमर सुरेन्द्र महांती को लेखा नुहे ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर हरिजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मराळर मृत्यु पुस्तक लेखक किए मराळर मृत्यु पुस्तक लेखक होती किए मराळर मृत्यु पुस्तक लिखिं सुरेन्द्र महांती लिखिं मराळर मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मातृभूमि मातृभाषा ममता जाहृदे जन्मी ना ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणवा अज्ञान रे कहीं यही पदटी अनेक तुंड में शुणा जा रहा कवि किए पचार कवि होती गंगाधर मेहर गंगाधर मेहर। नेक्स्ट रही क्योंटि सुरेन्द्र महांती को उपन्यास नुहे सुरेन्द्र महांती कौटा लिखि ना हा अन्न मराळर मृत्यु रुटी चंद्र अंध दिगंत तो सुरेन्द्र महांती लिखिंट मराळर मृत्यु लिखिंट रुटी चंद्र को लिखिंट अंध दिगंत लिखिंट तीन टा जाक लिखिंट से आ कौटा रहा हा अन्न ये लिखिंट कान्हूचरण महांती लिखिंट सुरेन्द्र महांती लिखि ना तो ऑप्शन नंबर ए हम आम करेक्ट आंसर हा अन्न सुरेन्द्र महांती को उपन्यास नुहे। नेक्स्ट रही क्योंटि गंगाधर मेहर रचना आज लास्ट क्वेश्चन गंगाधर मेहर कौटा लिखि ना से रचना नुहे से पचारि तो तपस्विनी कृषक संगीत शर्मिष्ठा अर्घ्यथाली आप आराम से देपारे कहीं आम डिस्कसन अलरेडी कर सारी तो गंगाधर मेहर लिखिं तपस्विनी लिखिंट आउ कृषक संगीत लिखिंट आउ अर्घ्यथाली लिखिंट कितु शर्मिष्ठा यटा को लिखिंट नंदकिशोर बल लिखिंट नंदकिशोर बल लिखिंट तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर शर्मिष्ठा को गंगाधर मेहर लिखि ना से यटा को लिखिं नंदकिशोर बल तो ऑप्शन नंबर सी होमर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज आम ये समस्त लेखा लेखक कवर कले जहाँद्वारा आपर भल मार्क निहत आप दुई तीन मार्क रहीपर तो जदि भिड भल लगुच कमेंट सेक्शन में जनवे भिडटे कमी लगे आउ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ और अल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँद्वारा आप समस्त भिडर नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।